हेलो एंड वेलकम टू द टॉपर स्टॉक आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं गेट 2023 में रैंक 23 हासिल किए हैं मिस्टर प्रताप सिंह एंड इन्होंने यहां पे मेड इजी में क्लासेस uh, लिए थे ऑनलाइन लाइव कोर्सेस जो कि मॉर्निंग बैच था और साथ साथ इन्होंने कुछ मेंस के कोर्सेज भी कर रखे हैं और टेस्ट सीरीज में थे भी यहाँ पे तो सबसे पहले निमेश कांग्रेचुलेन्स फॉर योर ट्वेंटी रैंक थैंक यू सर थैंक यू थैंक यू मैं देख पा रहा हूँ कि बच्चे कि आपने यहाँ पे काफी सारे कोर्सेज भी कर रखे हैं और आपका जो रिकॉर्ड है आप एमिटी यूनिवर्सिटी से आपने अपना बीटेक कर रखा है और ये साजनपुर यूपी के रहने वाले हैं सो so, uh, चलिए बातचीत करते हैं निमिष से और पूछते हैं कि इनकी जर्नी ओवरऑल प्रिपरेशन की जो जर्नी थी जो स्ट्रगल का फेज था वो कैसा था और इस जर्नी से आप सभी को सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा सो so, बात करते हैं एक 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 करके वो 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 हर 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 पॉइंट जो कि स्टूडेंट्स के लाइफ में गुजरता है प्रॉब्लम्स का मोड वो हर एक खुशी का मोड हर एक चीजें डिस्कस करेंगे जिससे आप कुछ सीखें सो so, मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ एक चीज निमिश प्रताप सिंह आपको तो मुझे ये बताइए कि आपका जर्नी ओवरऑल जो प्रिपरेशन का था वो कैसा था जर्नी में अप एंड डाउन तो आते ही रहते हैं तो वही चला पूरे जर्नी में कभी मेरे को लगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ अंडर -अंडर अंडर -अंडर तो बच्चे ट्वेंटी ट्वेंटी जीरो फोर रैंक थी सिविल okay. इंजीनियरिंग अचीवमेंट okay, फिर उसी को मैंने कवर किया एक साल में ट्वेंटी थ्री में कन्वर्ट करने की कोशिश करी ओके दैट्स वेरी गुड अचीवमेंट कि आपने 2904 से जंप करके सीधा से पे करके सीधा दैट्स वेरी गुड सो आप मुझे ये बताइए कि जो सोर्सेस आपने फॉलो किए जैसे आपने जब क्लासेस किए तो क्लासेस के साथ आपने क्या क्या सोर्सेस फॉलो किए सर सबसे मेन चीज तो आपके नोट्स ही हैं जो भी नोट्स हैं उसमें सारी इंफॉर्मेशन है तो नोट्स एक बार क्लास होने के बाद आपको सबसे पहले तो उस नोट्स को जो आपने लिखा है उसको एक बार रिवाइज करिए उसके बाद सबसे पहले मैं करता था वर्कबुक और वर्कबुक को करने के बाद मैं प्रीलिम्स के इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रीवियस ईयर करता था और साथ में गेट के प्रीवियस ईयर करता था एक बार ये कम्प्लीट हो जाए तो फिर आपका सारी चीजें फिक्स हो गई हैं अब आपको एक पॉलिश करने के लिए इनको एक बार बस टेस्ट सीरीज में बिठाना है एक बार टेस्ट सीरीज आपने अच्छे से दे दी चाहे उसमें मार्क्स आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है आप टेस्ट सीरीज देते रहो नए क्वेश्चन मिलेंगे नए तरीके मिलेंगे तो यही मैंने फॉलो किया था बस देखो कितनी अच्छी बात कही निमिष ने कि आप जो एक सीक्वेंस होता है तैयारी के दौर में वो सीक्वेंस को फॉलो करना बहुत जरूरी है सबसे पहले जो क्लास में आपने पढ़ा उस चीज के ऊपर दोबारा वर्कआउट करना उसको रिवीजन करना उसके अलावा वर्कबुक को सॉल्व करना ऑलरेडी वर्कबुक इतनी प्रॉपरली डिजाइंड है कि उसको सॉल्व करने के बाद सारे कॉन्सेप्ट से क्लैरिटी आ जाती है फिर आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करते हो और उसके बाद टेस्ट सीरीज ये पूरे को ब्रश है पूरे को पॉलिश कर देता है ठीक है बहुत अच्छी बात कही आपने अच्छा ये बताइए निमिश आपने इस इस स्टोरी में आपने एक चीज ये भी बताया कि मिस्टेक्स होते हैं और इसमें सीखते हैं तो मुझे ये बताओ कि आ, जब मिस्टेक्स आपसे होते होंगे तो आपने उस मिस्टेक के साथ कैसे टैकल किया ये पूछने का मेरा इंटेंशन ये भी है कि कई बार अगर आप अभी करंट स्टूडेंट्स को देखेंगे तो कई बार बच्चे ना जब मिस्टेक करते हैं तो उसमें उस मिस्टेक से डिमोटिवेट हो जाते हैं और वो थोड़ा सा डिमोटिवेट करके अपना पढ़ाई का फ्लो तोड़ लेते हैं तो ये अफकोर्स करेक्ट स्ट्रैटेजी नहीं है तो आपसे हम जानना चाहते हैं कि आपने जब आपसे मिस्टेक होते होंगे तो आपने अपने मिस्टेक के साथ कैसे डील किया सबसे पहली चीज तो यह है कि डिमोटिवेट होने वाली कोई चीज नहीं है इवन रैंक ट्वेंटी थ्री भी डिमोटिवेट होता रहता था बीच बीच में उसको हर दो तीन महीने में डिमोटिवेशन होता था तो फिर उसको टैकल करने के लिए सबसे पहला स्टेप है कि आप की मिस्टेक हो का रही है आपने अगर वो पहचान लिया है तो फिर आपका काम बहुत सा खत्म हो चुका है फिर आप उस मिस्टेक को बस आपको धीरे धीरे रेक्टिफाई करना है इवन अगर आप हंड्रेड परसेंट भी उस मिस्टेक को रेक्टिफाई नहीं कर पाते हो आप एट्टी परसेंट कर पा रहे हो लेकिन आप एटलीस्ट एट्टी परसेंट बेहतर तो बन गए ना आपका मे बी हो सकता है उस समय गेट में इतना कोई फायदा ना हो हो सकता है इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्री में फायदा ना हो बट आप इंटरव्यू देने जाओगे मीनस में, में आपको बहुत फायदा मिलेगा ये सब मिस्टेक्स का और इसके संग संग आप सिर्फ तैयारी के समय नहीं आप अच्छे इंसान भी बन जाओगे आप अपने मिस्टेक से सीखोगे आप अपने इन मिस्टेक्स को कैसे आपने टैकल किया ये आप अपनी लाइफ में भी यूज कर सकते हो तो ये पूरी जर्नी में आपको बहुत कुछ सिखाएगा इतनी अच्छी बात कही है निमिश ने आप देखिए मैं सभी स्टूडेंट्स को निमिश के जरिए से ये बात बताना चाहता हूँ कि कोई कभी भी जब डाउनफॉल आता है लाइफ में चाहे वो आपकी पढ़ाई के दौरान हो कि आप कोई क्वेश्चन सोल्व करो और आपसे गलती हो रही है या फिर आपके लाइफ में वो मिस्टेक आपको हमेशा कुछ सिखाने के लिए आपके लाइफ में आया है और इस चीज का लाभ हमेशा उठाना चाहिए उस मिस्टेक के साथ लड़ करके उसे कुछ सीखना चाहिए हमेशा डिमोटिवेट होने वाली तो कोई बात ही नहीं है ठीक है यही सीखने का दौर है और इंप्रूवमेंट एक्चुअली इसी के ऊपर वर्क करने से लाइफ में या फिर आपके प्रिपरेशन में इंप्रूवमेंट होती है ठीक है बहुत अच्छी वेरी गुड अप्रोच निमेश आई एम वेरी हैप्पी फॉर योर थिंकिंग या थैंक यू सर मैं एक और बात बोलना चाहूँ कि अगर आपने फेलियर नहीं देखा या मिस्टेक्स नहीं करी हैं तो आपकी जो मूवी बनेगी वो सिर्फ शॉर्ट फिल्म रह, बन के रह जाएगी जो कि यूट्यूब पर आएगी तीस मिनट की आपको बड़े पर्दे पे पर अगर मूवी चाहिए तो आपको फेलियर देखने पड़ेंगे एम एस धोनी ने फेलियर देखे तभी हम उसकी मूवी देखने जाते हैं हम उससे सीखते हैं अगर हमारे संग सब अच्छा ही अच्छा होता रहे तो हमको कभी पता ही नहीं चलेगा कि क्या एक्चुअल में स्ट्रगल होती है हमको कभी अपने जीत का वही एहसास ही नहीं होगा बस यही था क्या बात है वेरी 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 इंस्पिरेशनल कि जो डाउनफॉल आता है उसी के साथ डील करने से आप बड़ा जंप लगाते हो हमेशा ठीक है बड़े जंप से पहले थोड़ा सा एक दो स्टेप पीछे होता है उसके बाद इंसान बड़ा जंप मारता बहुत अच्छी बात कही आपने अनिमिश सो आगे चलते हैं और आप मुझे ये बताइए कि आपके तैयारी के दौरान में जो रिविजन का स्ट्रेटजी था वो आपने कैसा रखा था किस तरीके से आपने जो ई एस सी गेट की तैयारी है, है, है पढ़ते हैं लेकिन वो एग्जैक्ट तरीके से रिविजन नहीं कर पाते तो आपके हिसाब से रिविजन कैसा होना चाहिए आपने क्या फॉलो किया था मेरा रिविजन स्ट्रेटेजी थोड़ा अलग था मैं शॉर्ट नोट्स नहीं बनाया मैं मेन नोट्स से रिवाइज करता था बिकॉज मेन नोट्स ही सब चीज कैरी करते हैं आपने अगर एक बार मेन नोट्स कर लिए तो फिर बात खत्म हो जाती है फिर आपको शॉर्ट नोट्स या किसी चीज की जरूरत नहीं है अब बच्चे शॉर्ट नोट्स क्यों बनाते हैं क्योंकि लास्ट में टाइम नहीं मिलता है हम लोग को इतना कुछ रिवाइज करने का बट वो टाइम इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि अगर आपने नोट्स मेन नोट्स अगर आपने अपने दो ही बार देखे एक बार बनाते समय और एक बार उनसे शॉर्ट नोट बनाते समय तो अफकोर्स आपको थर्ड टाइम टाइम लगेगा बट अगर आप उन्हीं नोट्स को मेन नोट्स को पाँच छः सात बार अगर पढ़ लेते हैं तो फिर आपको टाइम नहीं लगेगा मैं अपना बताता हूँ मैंने दस दिन में पूरा टेक्निकल सिलेबस कवर कर दिया था मेन नोट्स से अपने तो फिर आप हो सकता है कि आप थोड़ा कलर कोडिंग करके और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को अगर आप चाहें तो कर सकते हैं उनको हाईलाइट बट मैंने नहीं किया मैंने पूरा का पूरा नोट्स अपने पूरे अच्छे तरीके से पढ़े थे तो ये मेरा रिवीजन और एक और चीज़ अगर जैसे मैं रिवीजन करते करते बोर हो जाता था मेरे को सबसे बोरिंग चीज़ वही लगती तो वो मेरे को नया लगता था कि अच्छा हाँ मैं कुछ नया पढ़ रहा हूँ और मेरे को लास्ट के जो चैप्टर्स होते थे वो भी अच्छे से रिवाइज हो जाते थे क्योंकि काफी बच्चों को शुरू के चैप्टर तो अच्छे से रिवाइज होते बट लास्ट के नहीं हो पाते हैं तो इसके लिए मैंने लास्ट के दो रिवीजन में पीछे तरफ से स्टार्ट किया मतलब था मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपने जो रिविजन किया उसमें आपने बैकवर्ड मैकेनिज्म मतलब जो आखिरी के चैप्टर yes, हाँ, क्योंकि जनरली जो बच्चे रिवाइज करते हैं मोस्टली उनके साथ क्या होता है कि वो शुरुआत से करते हैं और करते करते आखिरी तक दम तोड़ देते हैं और कुछ कुछ चीजें उसमें रह जाती है छूट जाती है yes, ठीक है तो आपने उसको टैकल करने के लिए आपने बैकवर्ड से चालू किया ये आप कहना चाह रहे हैं ओके वेरी गुड वेरी गुड ओके okay, सो so आप देखिए बच्चे के रिवीजन सबसे पहले तो रिवीजन बच्चों की तैयारी के लिए ना ई की तैयारी हो या फिर गेट की तैयारी हो उसमें रिवीजन का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो वैसी चीजें सब स्केप आउट हो जाएंगी और रिवीजन का एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होना चाहिए जो निमिश ने अभी बताया कि रिवीजन का स्ट्रेटजी इस तरीके से होना चाहिए कि हर एक चीजें जहां पे आप भूलते हैं उसको आप कैरी करने के लिए अपने तरीके अपनाइए अपने तरीके से इनका तरीका यह था कि इन्होंने इनको लगता है कि पीछे की चीजें जो छूट रही हैं मैं उसको पहले कवर करूं इसलिए उन्हें बैकवर्ड तरीके से रिवीजन करना चालू किया लेकिन कोई भी टॉपिक जो आपके दिमाग से उतर सकता है भूली जा सकती है उसको छूटने नहीं दिया इन्होंने हमेशा रिविजन में रखा ठीक है सो दैट्स दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट वेरी गुड ऐसा एक चीज और मैं जानना चाहता हूं निमेश कि कैलकुलेशन मिस्टेक एक बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम है जब भी बच्चा तैयारी करता है तो शुरुआत के दिनों में वो कॉमन कैलकुलेशन मिस्टेक्स बहुत ही कॉमनली करता है तो क्या आपके साथ कैलकुलेशन मिस्टेक की दिक्कत आई थी सब बहुत ज्यादा दिक्कत आई थी स्पेशली uh, मेरे को गेट में uh, आदत पड़ गई थी अपना जो गेट कैलकुलेटर होता है उसको यूज करते की तो कभी कभी क्या होता था कि इंजीनियरिंग सर्विसेज के जो क्वेश्चन कैलकुलेटर होता तो अभी दो मिनट में आंसर आ जाता मेरा लेकिन फिर मैं ये सोचता था कि अगर कैलकुलेटर होता तो फिर पेपर में बचा ही गया फिर तो कुछ बचा ही नहीं करने का तो इसलिए जब जो ऐसा भी पेपर की आप प्रैक्टिस कर रहे हो अगर ईएस के प्री की प्रैक्टिस करे हो तो विदाउट कैलकुलेटर आप उसकी प्रैक्टिस करो और जब भी अगर आप यूज गेट कैलकुलेटर का यूज करो गेट का एग्जाम देने के लिए उसमें ये मत करिएगा कि आप अपना जो हमारे पास जो साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है उसको उठा के सॉल्व कर रहे हैं चाहे टेस्ट सीरीज हो चाहे इवन आप क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर रहे हो जब गेट के प्रीवियस ईयर भी प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसके लिए भी एक गेट कैलकुलेटर आता है उसको डाउनलोड कर लो और फिर उससे प्रैक्टिस करो तो मेरी स्पीड इतनी ज्यादा तेज हो गई थी गेट कैलकुलेटर पे लास्ट में आते आते अगेन ये पहले नहीं हुआ था लेकिन लास्ट में आते आते, आते ऐसी स्पीड हो गई थी कि अ, मेरे को उस पर ज्यादा कंफर्टेबल था स्टेट ऑफ अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर पे और फिर मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए जब तैयारी करी तो ये मैंने सिंपल रखा था कि अगर बहुत ही ज्यादा कैलकुलेशन टफ हो जा रही है कि क्योंकि कुछ कुछ चीजों में एच की पावर कुछ फाइव बाय फोर थ्री बाय फोर पम्प्स और टर्बाइन में आ जाती है तो मैंने कहा कि ऐसे क्वेश्चन को अगर लास्ट में देखा जाएगा पेपर के समय अभी इस इसप ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हैं क्या बात है बहुत अच्छे सो so, आप आपके जरिए से मैं बच्चों को बताना चाहता हूं कि वो हर एक स्टूडेंट जो कैलकुलेशन मिस्टेक की प्रॉब्लम शुरुआत के दिनों में फेस करता है अभी भी बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं और उन सबको जानना चाहिए बात कि जो कैलकुलेशन मिस्टेक है वो आपकी पार्ट ऑफ जर्नी है और शुरुआत में जो कैलकुलेशन मिस्टेक्स आप करते हैं इसके साथ ईजिली आप टैकल कर लेते हो अगर आप बार 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 प्रैक्टिस करते हैं तो और अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हैं तो गेट की तैयारी के लिए

So, uh, एक चीज और मैं uh, पूछना चाहूंगा uh, निमेश की जिस जगह पे अभी आप हैं ठीक है जिस uh, पोजीशन को आपने हासिल किया है यहाँ पे लोग आने की इच्छा रखते हैं इस चीज को पाने की इच्छा रखते हैं ठीक है तो अगर मैं आपसे आपको ये पूछूं कि भाई आखिरकार आप में वो क्या खास बात है जिसके कारण आपने इसे हासिल किया है तो, तो आप क्या, क्या मैं यही बोलूंगा कि बचपन से मेरे अंदर था कि कुछ नया सीखना है हमेशा कुछ ना कुछ मैं सीखता रहता हूँ कभी कुछ कभी कुछ तो मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट करी तो मेरा मेन एम यही था कि मेरे को सीखना है सबसे पहले इसलिए मैंने स्ट्रक्चर उठाया इवन दो वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट माना जाता है और उससे पहले मैंने सॉम भी नहीं पढ़ा था ना मैकेनिक्स पढ़ा था मैं सबसे पहले स्ट्रक्चर पढ़ा क्योंकि तो मेरे को अच्छा लगता था उसको पढ़ना फिर मैंने सॉम पढ़ा और फिर मैंने गेट का सिलेबस देखा था अच्छा गेट का सिलेबस ये होता है तो इसलिए हमेशा एक वो रखिए अपने माइंड को कि कुछ नया सीखना है इस ये लेके मत जाइए कि मेरे को रैंक वन लाना है रैंक टू लाना है आप पूरे सिविल इंजीनियरिंग सीख के जाओ आपका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा और सेकंड थिंग है कि हमारी लाइफ बहुत ऊपर नीचे ऊपर नीचे जाती रहती है बट जब आप प्रिपरेशन करते हो तो आपकी लाइफ सिर्फ आपको पता होती है और किसी को नहीं पता होती है तो जब भी आप कोई डिसीजन ले रहे हो तो ये बात याद रखिए कि सिर्फ आप ही हो जो हंड्रेड बता सकते हो कि आप सही डिसीजन ले रहे हो या गलत डिसीजन ले रहे हो इवन आपके भाई बहन मम्मी पापा भी आपको एग्जैक्टली हंड्रेड परसेंट नहीं बता पाएंगे कि आप क्या कर रहे हो सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो तो ये हमेशा अपने आप से ट्रुतफफुल रहिए जो भी आप कर रहे हो जो भी कर रहे हो उसमें हमेशा ये रखिए कि आप ही हैं जो ये आपकी लाइफ देख रहे हैं आगे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप टॉप भी करते हो या फिर अगर आप आ, तो क्वालिफाई नहीं कर पाते हो ये सिर्फ आपको फर्क पड़ेगा तो इसके लिए हमेशा ये सोचिए कि ठीक है जैसा हुआ हुआ अब मैं अच्छे से अगर प्रिपेयर करने के लिए घुस चुका हूं तो फिर मैं जो भी चीज है सब कंप्लीट करूंगा अच्छे से करूंगा अच्छे से तैयारी खत्म करूंगा ना कि रोते हुए और गाते हुए कि अच्छा हो गया या खराब हो गया पूरे तरीके से कंप्लीट करो देखो कितनी अच्छे मैसेज दिया है इन्होंने कि अगर आप किसी चीज में एंटर किए हैं तो आपको आपका हंड्रेड परसेंट देना चाहिए कहीं पर भी कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए कि आगे चल के लाइफ में कहीं पर भी अफसोस रहे ठीक है इन्होंने अपने लाइफ में उसी आ, मोटो को फॉलो करते हुए आगे बढ़े हैं ठीक है सो आई होप की इनकी जर्नी से